थोड़ा आप भी आंखें खोलिए और प्लीज थोड़ा सोचिए कि इतने करोड़ों लोग अगर किसी एक पर्सन के पर्सन जिसे आप पर्सन समझ रहे हो मतलब उसके पीछे अगर जा रहे हैं तो रीजन तो कोई ना कोई होगा, प्लीज थोड़ा सोचिए इसके बारे में भी। नमस्कार दोस्तों, द फिट टाइम में आपका स्वागत है। हम लगातार दिखा रहे हैं आपको पब्लिक के साथ सीधी बातचीत। हम जानते हैं पब्लिक का क्या मानना है, किस दिन डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा का सोसाइटी के लिए, समाज के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके के कार्य संजी ने किए सोसाइटी के लिए, जानेंगे इन्हीं से बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? मेरा नाम नेहा इंसा है। नेहा जी, क्या करते हैं आप? क्या मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। मैम से अगर बात की जाए इस डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा की, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि संत जी ने सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन? एक तो सबसे पहली बात तो 137 वेलफेयर वर्क्स, आई डोंट थिंक कि किसी ने ऐसा किया है, तो सबसे बड़ी बात तो यही होगी। और अगर हम मैं डिस्क्राइब करने लग जाऊँ 137 तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बट अभी रिसेंट में उन्होंने क्या किया मैं आपको बताऊँगी। मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करवाया है ताकि साध संगत भी उनकी यूज़ करे, और उनको मोटिवेट किया है वहाँ बैठे बैठे ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। एंड अनदर थिंग, उन्होंने कोविशील्ड लगवा ली है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जस्ट लाइक मैं भी उनमें इंक्लूडेड थी कि मैं सोची थी क्या करेंगे लगवा के, घर में ही तो रहती हूँ मैं, जस्ट लाइक मेरी बेबी है, मैं बाहर निकलती नहीं तो मुझे नीड नहीं है। बट उन्होंने कहा कि हर एक पर्सन को ज़रूरत है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे आसपास भी बहुत सारे लोगों ने लगवाई, तो दैट मीन्स वो मोटिवेशन वर्क कर रहा है उनका, और यही तो चाहिए सोसाइटी को कि कोई थोड़ा सा पुश करे, मोटिवेट करे ताकि वो काम करें। मैम अब आपने भी बोला कि अब देखा जाए वो उस तरीके से सोसाइटी में प्रेजेंट नहीं है, क्या अब भी वो पब्लिक के लिए अभी भी वहाँ से मैसेज भेज रहे हैं, अब भी ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी चिट्ठियाँ आती रहती हैं, लेटर्स आते हैं उनके स्पेशल, और जो भी वो लेटर में लिखते हैं, इवन साध संगत क्या मैं कहूँगी, मैं बाहर भी पढ़ाती हूँ तो वो बच्चे भी फॉलो करते हैं, जो अच्छे काम उन्हें लगते हैं वो उन्हें फॉलो करते हैं, जो उन्हें इजी लगते हैं मैं कहूँगी, जस्ट लाइक वो मास्क लगाते हैं, वैक्सीन भी मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने लगवा ली है, तो दैट मीन्स वो फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इनडायरेक्टली भी कई लोग फॉलो कर रहे हैं। मैम अगर मैं मेन बात करना चाहूँगी, वैसे बीइंग लेडी, आप भी एक लेडी हो, तो लेडीज़ को लेकर, वुमन एम्पावरमेंट को लेकर सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा का किस तरीके का रोल रहा है, क्या किस तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन? हमेशा हमेशा सपोर्टिव रहते हैं वो, मतलब उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि ये दो अलग अलग जेंडर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जितने काम लेडीज़ कर सकते हैं उतने ही जेंट्स कर सकते हैं। दैट्स वाई उन्होंने एक समिति भी बनाई है अपनी, ग्रीन इज वेलफेयर फोर्स विंग, जिसमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, सो दैट मीन्स इक्वालिटी अपने आप ही झलकती है वहाँ पे। उन्होंने जो स्कूल ओपन कर रखे हैं वहाँ लेडीज़ भी काम करती हैं, इवन बल्कि गर्ल्स के लिए अलग स्कूल है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो वहाँ पे भी गर्ल्स काम करती हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे तो लगता है कि वो गर्ल्स को और इवन जो घर बैठी लेडीज़ हैं उनको भी इंस्पायर करें कि आप कुछ ना कुछ कीजिए ज़रूर, चाहे सोसाइटी के लिए कीजिए। चलो हम कई बार जॉब नहीं कर पाते, बट हम सोसाइटी के लिए थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और वो दे रही हैं, इवन ट्री प्लांटेशन के ज़रिए, अपनी दूसरों को खाना खिलाने के ज़रिए। अभी अभी जो नॉर्मली विंटर में क्या चल रहा है, कंबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो, तो मतलब अच्छे अच्छे छोटे छोटे काम वो अपनी तरफ से करते रहते हैं, चाहे वो लेडीज़ हों चाहे जेंट्स हों। मैम जो भी आश्रम है सन डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के, वहाँ पर अगर देखा जाए तो लेडीज़ की सेफ्टी की प्रोटोकॉल्स को लेकर किस तरीके के फैसिलिटीज़ वहाँ? सबसे बड़ी बात, जो मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मुझे क्या लगा था, लेडीज़ अलग बैठती हैं जेंट्स अलग, जो कि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ इतना होना चाहिए, बिकॉज गुरु जी ने भी कहा है कि हमेशा इन दोनों को अलग अलग ही रहना चाहिए, थोड़े प्रोटोकॉल्स हमेशा होने चाहिए ताकि उनका जो माइंडसेट है वो अध्यात्म की तरफ जा सके। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी अलग अलग कर रखा है कि हाँ अलग से भाई हैं, भाई बैठेंगे और बहनें बैठेंगी, और स्कूल्स भी हैं उनके, उनमें भी अलग अलग है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारा। सेफ्टी बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई इवन उनके आसपास के जो एरियाज है वहाँ पे भी बहुत सेफ्टी है। 9 बजे 10 बजे भी अगर कोई लेडी बाहर सब्जी लेने निकले, वॉक के लिए निकले, डजंट मैटर एट ऑल, कोई ध्यान नहीं देता हमेशा, बल्कि आसपास के लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं उन चीज़ों का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि मैं भी उनके पास ही रहती हूँ बिल्कुल ही, तो इवन मैं 9:30 बजे भी चली जाती हूँ तो मुझे ये डर नहीं लगता, अरे यार नहीं इतनी रात नहीं निकलना चाहिए, नहीं बहुत बहुत सेफ्टी है। मैम जो भी 4 साल पहले उनकी एक अलग छवि, एक अलग बातें उनके बारे में उठाई जा रही थी चैनल्स के द्वारा भी, मतलब एक काफ़ी अलग मतलब पब्लिक में छवि उनकी आई थी, एलिगेशन भी उनके ऊपर लगाए गए, आपका क्या प्रोस्पेक्ट है उस सबके लिए? देखिए जब लोग
एजुकेटेड नहीं होते तो उनको कम चीज़ें पता लगती हैं और कई चीज़ें बहुत लोगों को पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से है कि लोगों को पता नहीं है, तो अब मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है, साइंस में क्या चल रहा है, तो कोई कुछ भी कहेगा मुझे मानना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो लोग अवेयर नहीं है, लोगों को पता नहीं था इतना। और एक तरह से मैं तो ऐसे कहूँगी, ये तो पब्लिसिटी हुई है, पहले लोग जानते नहीं थे डेरे के बारे में, अब तो पूरी दुनिया जानती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और अब मुझे ऐसा लग रहा है लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं था कि क्या काम चल रहे हैं, और अब लोगों को पता लग गया कि इतने वेलफेयर वर्क्स चल रहे हैं। जरूरत है मैम संजी बात है। हाँ जी, जरूरत है संजी की सोसाइटी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनके बिना तो मतलब अब 137 हुए, हमें 500 तक भी तो पहुँचाने हैं, तो उनके बिना तो पॉसिबल नहीं होगा ना ये आगे बढ़ाना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा गुणेश, अच्छा गुणेश सुना दो, नूरे जलाल सुनाना जरा। नूरे जलाल हे छाया, नूरे जलाल हे छाया, सतगुरु पाना करने दे। अच्छा अच्छा, एम एस जी में संजय सुना दो। एम एस जी तो मुझे पहचान जा, एम एस जी तो मुझे वेरी गुड, वेरी गुड। और अब मैं इसको क्या मोटिवेट करती रहती हूँ, गुरुजी ने जो मुझे सिखाया है, बच्चों को अध्यात्म से जोड़ो। अब ये वंदे मातरम और अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनती है, इंस्टेड ऑफ वो जो बाहर मतलब वो लैला मजनू वाले जो चलते रहते हैं, जो जिनका कोई मतलब भी नहीं है, बेतुके जो है, तो उससे बेटर है ये वंदे मातरम सीखे, ये देश के प्रति जागरूक हो अभी से ही। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गुरुजी के ने जो मुझे सिखाया वो मैं इसको सिखा पा रही हूँ धीरे धीरे। उनकी सरकार से क्या अपील करना, मैं प्लीज उन्हें कहना चाहूंगी कि प्लीज थोड़ा आप भी आंखें खोलिए और प्लीज थोड़ा सोचिए कि इतने करोड़ों लोग, अगर किसी एक पर्सन के पर्सन जिसे आप पर्सन समझ रहे हो मतलब उसके पीछे अगर जा रहे हैं तो रीजन तो कोई ना कोई होगा। प्लीज थोड़ा सोचिए इसके बारे में, विचार कीजिए, आपको भी समझ आ जाएगा आई थिंक। मैम बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पब्लिक है हमारे सामने जुड़ रही है, जिनका मानना है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, चाहे अब भी चाहे वो समाज में सोसाइटी में उस तरीके से नहीं है, फिर भी वो वहाँ रह कर भी, जो सोसाइटी के बीच में ना रह कर भी सोसाइटी के लिए संदेश भेज रहे हैं, समाज के लिए कार्य के लिए काम कर रहे हैं, उसी के लिए सोच रहे हैं। इनका मानना है कि जो तमाम एलिगेशंस हैं, जो बातें हैं, वो सिर्फ एक अलग तरीके से एक संत जी को बदनाम करने की कोशिश की गई है, उनको समाज से झूठा दूर किया गया है, झूठे रोप लगाकर दूर किया गया है। आप भी देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।